जामनगर में 3 दिवस सुधी स्वैच्छिक लॉकडाउन निर्णय ने सारो प्रतिसाद मिली रह्यो छे। कोरोना केसेस वधता व्यापारी संगठनों द्वारा शुक्रवार शनिवार और रविवार एम 3 दिवस सुधी बंद पाड़वानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। व्यापार और उद्योग साथ संकळायेला 50 संगठनों द्वारा लेवायेला निर्णय में व्यापारी स्वैच्छिक रीते जोड़ाया छे। ग्रेन मार्केट उद्योगनगर और चांदी बजार सहित विस्तारों में बंद ने सारो प्रतिसाद मिली रह्यो छे। जामनगर में छेल्ला केटलाक समयथी कोरोना केस वधी रह्या छे तेना कारणे जामनगर की लगभग 50 थी वधु व्यापारी संस्थाओं द्वारा आज थी 3 दिवस माटे स्वैच्छिक बंदनुं एलान आपवामां आव्युं हतुं, जेने सारो प्रतिसाद मळी रह्यो छे। आप जोई शको छो मोटा भागनी दुकानों बंद हालत में हाल जोवा मळी रही छे। जामनगरनो ग्रेन मार्केट विस्तार आ छे के ज्यां वहेली सवारथी ज अहीं दुकाने तमाम स्वैच्छिक रीते व्यापारीओमां जोड़ाया छे अने शहेरना उद्योगनगर विस्तार लगभग 7000 थी वधारे कारखानाओ जामनगरमां आवेला छे। ते उपरांत जे व्यापारीओ छे ग्रेन मार्केट विस्तार छे, चांदी बजार विस्तार छे सहितना जे मुख्य बजारो छे, मोटा भागनी बजारोमां व्यापारीओ स्वयंभू जोड़ाया छे। अपनी साथे जामनगर चेम्बर ऑफ कॉमर्सना प्रमुख बिपेन्द्रसिंह जोड़ाया छे, तेमनी पासेथी जाणशुं शा माटे आवी बंधनी जरूरियात ऊभी थई छे अने केवो प्रतિસાદ મળ્યો છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જે રીતે દેશમાં ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને જામનગરમાં હમણાં કોરોનાનું સંક્રમણ ખૂબ વધ્યું છે અને સરકારી અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં લોકોને દાખલ કરવાની જગ્યા પણ ન મળતી હોય ત્યારે જામનગરના તમામ વ્યાપારિક અને ઔદ્યોગિક એસોસિએશનના પ્રમુખોએ ભેગા થઈ અને આ જે ચેઇન છે એને તોડવા માટે થઈ અને 72 કલાકનું બંધનું એલાન આપવાનું નક્કી કર્યું કે લોકો સ્વયંભૂ 72 કલાક બંધ રાખે, જેના ભાગરૂપે ગઈકાલ રાત્રિ આ બંધનું એલાન